आज मित्रों मैं मेगाब्लो राज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ और बात करते हैं बिग बॉस 18 के बारे में। भाई आप लोगों को पता ही है कि आज है 6th of October, एडाल से भाई स्टार्ट होने जा रहा है बिग बॉस 18। इसका एक सीजन खत्म होता नहीं दूसरा पहले आ जाता है। इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग न्यूज हमें देखने को मिले हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में बताया था कि रजत दलाल के भाई लोग कह रहे हैं और चांसेस हैं कि रजत दलाल भी यार बिग बॉस 18 में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोर्सेज यार और भी ज्यादा बढ़ गए हैं अभी के टाइम पे। अगर आप लोग ट्विटर वगैरह को ओपन करोगे, मैं तो रेगुलरली चलाता हूँ ट्विटर को, इसलिए मैंने देखा कि वहाँ पर भाई रजत दलाल के रिलेटेड और भी बहुत सारे अभी ट्वीट्स होने लगे हैं कि भाई रजत दलाल सच में जा रहे हैं बिग बॉस 18 के अंदर एंड वहाँ पर भाई वो तो कुछ तो नया लफड़ा स्टार्ट करने वाले हैं। एंड अभी के टाइम पे जितने भी ट्वीट्स यार बड़े हैं रजत दलाल के रिलेटेड कि भाई रजत दलाल 100% बिग बॉस में हमें देखने को मिलेंगे, उसका मैं आप लोगों को रीजन बता देता हूँ। बेसिकली हुआ ये कि इस बार का जो बिग बॉस का सीजन है बिग बॉस 18, उसका थीम ही कॉन्ट्रोवर्सी होने वाला है। मतलब कि यार बहुत सारे लफड़ेबाज लोग आने वाले हैं बिग बॉस एंड भाई की कंट्रोवर्सी तो सब जानते हैं भाई 18 में, जिन्होंने यार पास्ट में काफी बड़े बड़े लफड़े किए हैं। तो हो सकता है कि इसीलिए भाई रजत दलाल को भी भाई एज अ कंटेस्टेंट की तरह भाई बुलाया गया। अगर भाई रजत भाई सच में आ रहे हैं ना भाई बिग बॉस में, तो मतलब ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट होने वाले मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी सब लोगों की कंट्रोवर्सीज इतनी बड़ी नहीं होंगी जितनी इनकी होगी। बट हाँ ये है कि मजा आने वाला है यार बिग बॉस 18 में, क्योंकि इसका कंट्रोवर्सी वाला ही थीम होने वाला है बिग बॉस 18 का। एंड आप लोग क्या ओपिनियन है कि भाई सच में हमें बिग बॉस 18 में और देखने को मिलेंगे रजत दलाल या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आज देखो अगर इतना वो हो रहा है ना बाजार में कि आने वाले हैं तो मे भी चांसेस हो सकते हैं 90% की आने भी वाले हैं एंड 10% ये भी हो सकते हैं रही भी आने वाले। बट अगर आ गए भाई लफड़े, बस मैं ये कहूंगा भाई अगर शो के अंदर जा रहे हैं ना तो ये बस हाथापाई ना करे, क्योंकि भाई अगर जा रहे हैं तो फिर पूरा अच्छे से खेल के आए और एक तरफा करके आए। आज शाम तो यार पता चली जाएगा 6 अक्टूबर है आज से स्टार्ट हो रहा है बिग बॉस 18। अगर हम लोग बिग बॉस 18 के बारे में बात करें तो क्या भाई महाराज अनुरुद्धाचार्य जी भी जाने वाले हैं बिग बॉस 18 में? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अभी के टाइम में भाई सलमान खान के साथ में बिग बॉस 18 के सेट से ही भाई अनुरुद्धाचार्य महाराज की एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आप लोग देख पा रहे जो कि भाई लेजिट ही है, कोई यार फेक फोटो नहीं है, रियल फोटो ही है। जो अनुरुद्धाचार्य महाराज है वो बिग बॉस 18 में गए हुए हैं, लेकिन भाई एज अ कंटेस्टेंट की तरह नहीं, वो सारे कंटेस्टेंट को आशीर्वाद वगैरह देने के लिए भाई गए थे। भाई भाई अगर ये कंटेस्टेंट होते ना भाई, अगर ये होते और साथ में रजत भाई होते भाई, जो टीआरपी जाने वाली थी शो की, ओ भाई मतलब नेक्स्ट लेवल टीआरपी भाई, नेक्स्ट लेवल तरीके से खिलो बिग बॉस 18 में। मतलब वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, इसलिए यार एज अ गेस्ट की तरह बुलाया था बिग बॉस 18 ने अनुरुद्धाचार्य महाराज को। लेकिन लोगों को भाई ये लग रहा था कि अनुरुद्धाचार्य महाराज जो हैं वो भाई एज अ कंटेस्टेंट की तरह जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कंटेस्टेंट की तरह नहीं, एज अ गेस्ट की तरह गए थे एक ही एपिसोड के लिए। आप लोग क्या कुछ सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और भाई बिग बॉस 18 के रिलेटेड और भी बहुत ज्यादा भाई शॉकिंग न्यूज हमें पता लगी कि लिटरली आप लोगों ने भाई अभी तक बिग बॉस 18 में बहुत तरह तरह के भाई कंटेस्टेंट देखे होंगे, लेकिन क्या आप लोगों ने आज तक कभी चार पैर वाला कंटेस्टेंट देखा है? यस भाई, इस बार के बिग बॉस 18 में हमें एक डोंकी भी देखने को मिलने वाला है। यस, एंड वो जो डंकी है वो बिग बॉस 18 के ही एक कंटेस्टेंट का भाई पेट है, इसीलिए यार उसको बिग बॉस 18 के घर में जाने दिया जा रहा है। बाकी देखते हैं भाई कि ये डोंकी किसी को मार वार ना दे या फिर कुछ कांड वगैरह ना हो जाए भाई इस डोंकी। ये क्या हो रहा है भाई, अबकी बार आएंगे भाई बिग बॉस 18 के रिलेटेड या फिर रजत दलाल के रिलेटेड, मैं आप लोगों को भाई नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बता दूंगा। अगर हम लोग बिग बॉस 18 के बारे में बात करें तो क्या भाई जो मिथ पेट है वो बिग बॉस 18 में जा रहे हैं? गाइस अगर देखो मेन बात यह है कि अगर ये सारे लोग जा रहे हैं ना तो टीआरपी अब की बार बहुत ज्यादा ऊंची जाने वाली है, क्योंकि सारे लोग इनके जो व्यूअर्स है वो बहुत ज्यादा हैं एंड प्लस अगर रजत भाई है तो भाई लफड़ा मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पहले दिन से ही लफड़ा होने वाला है भाई वहाँ, और उनके सपोर्टर इतने ज्यादा है बाहर और सपोर्ट कॉन्ट्रोवर्सी सब कुछ मिला के भाई क्रेजी सीन होने वाला अगर ये सब है ना। और मेरे को भाई फटाफट भागना पड़ेगा क्योंकि 9 बजे ये शुरू होने वाला है एंड मेरे को देखना पड़ेगा भाई कि कौन कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, रजत भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सब कुछ देखना पड़ेगा, क्रेजी होने वाला भाई।